वेलकम टू जनसंचार अचीवर्स, माय सेल्फ राजेश शर्मा। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली मार्शल मैकलुहान ने दिया था। इट स्टेट्स दैट अ सोसाइटीज टेक्नोलॉजी डिटरमाइंस इट्स कल्चरल वैल्यूज, सोशल स्ट्रक्चर और हिस्ट्री। ये टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या बताते हैं कि सोसाइटी की जो टेक्नोलॉजी है वो डिटरमिन करती है कि उसकी कल्चर वैल्यू, सोशल स्ट्रक्चर और हिस्ट्री क्या है। इट इज़ प्रोपाउंडेड बाय कैनाडियन स्कॉलर मार्शल मैकलुहान। ये जो भी इसके थ्योरीज थे वो मार्शल मैकलुहान थे, जो एक कैनाडियन स्कॉलर हैं। दिस थ्योरी स्टिपुलेट्स दैट टेक्नोलॉजी मोर देन एनी अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसेस सोशल बिहेवियर टू चेंज। ये बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है सोशल बिहेवियर के चेंज होने में, बजाय किसी और फैक्टर के। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म सीक्स टू एक्सप्लेन सोशल एंड हिस्टोरिकल फिनोमिनन इन टर्म्स ऑफ वन प्रिंसिपल और डिटर्मिनिंग फैक्टर। जो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनन है ये एक्सप्लेन करती है सोशल और हिस्टोरिकल फिनोमिनन में जो कि एक प्रिंसिपल या एक डिटरमिनिंग फैक्टर आप इसको कह सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म हैज़ बीन समराइज इन द वर्ड्स ऑफ मैरिट रोस्मिथ एज द बिलीफ इन टेक्नोलॉजी एज ए की गवर्निंग फोर्स इन सोसाइटी। जो एक और थ्योरिस्ट हैं जिनका नाम है मैरिट रोस्मिथ, जो बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी में जो बिलीव है वो की गवर्निंग फोर्स है एक सोसाइटी में। मीन्स की जो गवर्निंग फोर्स है सोसाइटी का, जिससे सोसाइटी गवर्न होती है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है सोसाइटी का, वो टेक्नोलॉजी है। कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म वाज मोल्डेड बाय मार्शल मैकलुहान। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द थ्योरी इज दैट चेंजेस इन द वे ह्यूमन कम्युनिकेट शेप आवर एग्जिस्टेंस। जो मार्शल मैकलुहान है जिन्होंने ये डिटर्मिनिज्म दिया था, उनका बेसिक आइडिया क्या था इस थ्योरी के पीछे की जो चेंजेस इन द वे ह्यूमन कम्युनिकेट, लाइक जो ह्यूमन कम्युनिकेट करता है उसके तरीके में जो चेंज आता है वो हमारे एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करता है। मीन्स कैसे हमारा एग्जिस्टेंस है उसको शेप करने में हेल्प करता है जो हमारा कम्युनिकेशन बिहेवियर में चेंज हो रहा है। मैकलुहान फील्स दैट आवर कल्चर इज मोल्डेड बाय हाउ वी आर एबल टू कम्युनिकेट। मार्शल मैकलुहान ये बताते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो कैसे मोल्ड होता है, वो बेसिकली किस चीज़ से मोल्ड हो रहा है। जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, जिस हमारा जो तरीका है, जो हमारा जिस प्रकार से हम कम्युनिकेट करते हैं वो हमारे कल्चर को मोल्ड करता है। अकॉर्डिंग टू मैकलुहान इन्वेंशंस इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉज कल्चरल चेंज। जो इन्वेंशंस होते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वो कल्चरल चेंज लाते हैं। सेकेंडली चेंजेस इन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन शेप ह्यूमन बींग। जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में चेंज आते हैं वो ह्यूमन बींग की लाइफ को शेप करते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं या मोल्ड करते हैं। थर्ड है, एज मैकलुहान हिमसेल्फ पुट्स इन, वी शेप आवर टूल्स एंड दे इन टर्न शेप अस। जिस तरह से हम अपने टूल्स को शेप करते हैं वैसे वो हमें शेप करते हैं। मीन्स जैसे जैसे हम टूल्स को शेप देंगे वो हमारी शेप चेंज करेंगे। मोस्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म शेयर टू जनरल आइडियाज। जो इंटरप्रिटेशंस है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की वो एक टू जनरल आइडियाज शेयर करते हैं, वो देख लेते हैं। दैट द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इटसेल्फ फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल ट्रेसेबल पाथ लार्जली बियॉन्ड कल्चर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो एक पाथ फॉलो करता है जो प्रिडिक्टेबल है, जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो उस पाथ को, और ये कल्चर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से काफ़ी परे है। सेकेंड है, दैट टेक्नोलॉजी इन टर्न हैज इफेक्ट्स ऑन सोसाइटीज दैट आर इनहेरेंट रादर देन सोशली कंडीशन और प्रोड्यूस्ड। जो टेक्नोलॉजी है उसके कुछ इफेक्ट्स हैं सोसाइटी पे जो इनहेरेंट हैं, जो मीन्स पहले से उसमें प्रेजेंट हैं, रादर ने सोशली कंडीशंस और प्रोड्यूस। जबकि वो सोशली कंडीशन नहीं है, ना ही वो पैदा करे गए हैं, बिकॉज दैट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ टू सपोर्ट एंड फर्दर डेवलप अ टेक्नोलॉजी वंस इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। जो भी सोसाइटी एक बार इंट्रोड्यूस्ड हो जाती है वो अपने आप ऑर्गेनाइज करती है, सपोर्ट करती है और डेवलप करती है टेक्नोलॉजी को।
द टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिस्ट व्यू इज अ टेक्नोलॉजी लेड थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। जो टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिस्ट हैं वो टेक्नोलॉजी को, जो उनकी टेक्नोलॉजी की थ्योरी है सोशल चेंज की, उसको कैसे देखते हैं। टेक्नोलॉजी इज सीन एज द प्राइम मूवर इन हिस्ट्री इन इकोनॉमिक्स। दिस इज नोन एज टेक्नोलॉजी पुश थ्योरी रादर देन अ डिमांड पुल थ्योरी। जो टेक्नोलॉजी को वो देखते हैं, जो प्राइम मूवर है हिस्ट्री में भी प्राइम मूवर रही है इकोनॉमिक्स में, उसको बेसिकली कहते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी पुश बजाय डिमांड पुल थ्योरी। मीन्स जो इसका करेक्ट वर्ड है वो टेक्नोलॉजी पुश है। अब कुछ डिटरमिनिस्ट ने इनको, टू टाइप के डिटरमिनिस्ट होते हैं, थ्योरिस्ट ने उसको डिवाइड करा है। पहले होते हैं हार्ड डिटरमिनिस्ट, दे व्यू टेक्नोलॉजी एज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोशल कंसर्न्स। ये टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि ये कोई सोशल बाउंडेशन नहीं है उस पर, वो सोसाइटी पे की डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है सोसाइटी से। दे से टेक्नोलॉजी रेगुलेट अ सोशल एक्टिविटी एंड इट्स मीनिंग। ये बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो रेगुलेट कर रही है हमारी सोशल एक्टिविटीज को और उसके मीनिंग को। आउटकम ऑफ टेक्नोलॉजी इज बियॉन्ड आर कंट्रोल एंड वी हैव नो चॉइस। जो टेक्नोलॉजी का आउटकम है, जो उसका एंड प्रोडक्ट है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। मीन्स जो उन्होंने प्रोडक्ट हमें दे दिया टेक्नोलॉजी ने, उसको हमें चूज करना पड़ेगा। सेकेंड है सॉफ्ट डिटर्मिनिस्ट, इट इज पैसिव व्यू ऑफ द वे टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट्स विद सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन। ये काफ़ी मीन्स पैसिव व्यू है कि टेक्नोलॉजी हमारी सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन से कैसे इंटरेक्ट करती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट स्टेट्स दैट टेक्नोलॉजी इज द गाइडिंग फोर्स इन आवर एवोल्यूशन बट वुड मेंटेन दैट वी हैव ऑप्शन रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ सिचुएशन। ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी गाइडिंग फोर्स तो है हमारे एवोल्यूशन के लिए, बट जो भी उसके आउटकम निकलते हैं, जरूरी नहीं कि हमें एक्सेप्ट ही करने, उसके अलावा भी हमारे पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मीडियम थ्योरी। बेसिकली मार्शल मैकलुहान ने दी थी, जो कहते थे मीडियम इज द मैसेज। मीडियम थ्योरी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। ये भी टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है। इट फोरग्राउंड्स मीडिया टेक्नोलॉजी, इट आइडेंटिफाइज कल्चर इम्पैक्ट फ्लोइंग फ्रॉम इनहेरेंट इन टेक्नोलॉजीज। ये बेसिकली ये भी टेक्नोलॉजी को फोरग्राउंड पर रखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो सोसाइटी में मीडिया की वो इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली ये कल्चर इम्पैक्ट जो निकलता है इससे, जो इनहेरेंट है, ये बताते हैं कि जो कल्चर इम्पैक्ट है हमारा टेक्नोलॉजी का, वो इनहेरेंट है, वो वंशानुगत है, वो पहले से ही प्रेजेंट है टेक्नोलॉजी में। मीडियम थ्योरी फोकसेस ऑन मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स itself rather than on what it conveys or how information is received। ये medium theory बताती है कि जो medium की ये characteristics पर ही major focus करती है, बजाय इसकी कि वो उसका content क्या है, जो medium है वो क्या content produce कर रहा है, या content की बात इतना वो important नहीं है। ये बताते हैं जो medium है वो important है। अब इसका criticism क्या है technological determinism का, वो हम देख लेते हैं। मार्शल मैकलुहान डज नॉट एड्रेस द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विच मीन्स इज डज नॉट से हाउ वेरियस टेक्नोलॉजीज बी कंस्ट्रक्टेड। इसमें मार्शल मैकलुहान ने प्रोसेस नहीं बताई है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, मतलब उसका जन्म कैसे होगा, वो कैसे चेंज होगी, वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगी, ये नहीं बताया है। मीडिया टेक्नोलॉजीज आर इन्वेंटेड क्रेडिटेड एंड डेवलप्ड बाय मैन, सो देयर इज कंट्रोल फैक्टर विच डिटरमिन्स देयर यूज एंड देयर इफेक्ट। जो मीडिया टेक्नोलॉजीज हैं वो इन्वेंट क्रिएट और जो डेवलप करी जा रही हैं वो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा करी जा रही हैं। सो उसमें कंट्रोल फैक्टर भी रहता है, मींस जो ह्यूमन बीइंग है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको यूज को और उसके इफेक्ट को। सेकंड पॉइंट है, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट व्हाट काउंट्स मोर देन टेक्नोलॉजिकल फीचर्स आर सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज लाइक प्रोडक्शन मोड ऑफ यूज वैल्यू पर्पज स्किल स्टाइल एक्सेट्रा। तो क्रिटिक्स से बताते हैं कि बेसिकली क्या काउंट करना चाहिए ज़्यादा, जो टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं, जैसे कुछ सोशल फीचर्स हैं या पॉलिटिकल इश्यूज हैं लाइक प्रोडक्शन मोड ऑफ यूज़ कैसे यूज़ करा जाएगा, उसकी वैल्यू क्या है टेक्नोलॉजी की, उसका पर्पस क्या है, किस तरह की स्किल्स हैं उसमें, क्या स्टाइल है, इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। मैकलुहान स्टेटमेंट दैट मीडियम इज द मैसेज द नेचर ऑफ मीडियम सपोर्ट्स कंटेंट ऑफ मीडियम। मार्शल मैकलुहान की जो स्टेटमेंट है मीडियम इज द मैसेज, जबकि जो नेचर ऑफ मीडियम है, जो नेचर का जो उसका मीडियम है वो कंटेंट को सपोर्ट कर रहा है, बट कंटेंट्स कम्स टू प्ले वंस टेक्नोलॉजी
समवट एस्टेब्लिश इन द सोसाइटी, बट जो कंटेंट है उसका बारी कब आता है, यूज कब आता है, जो कंटेंट है, जो मीडियम जिसको कैरी कर रहा है उसका यूज कब आता है, जो टेक्नोलॉजी है वो एक सोसाइटी में अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाती है। जब तक एक टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश ही नहीं होगी तो हमारे पास कितना ही बेहतर कंटेंट हो, कितना भी अच्छा हो, उसको हम अच्छे से फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मीडियम विद द कंटेंट इज फर्दर आर्ग्यूड बाय मैकलुहान इटसेल्फ। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ सॉर्ट व्हेन ही ब्रिंग हॉट कॉल मीडियम डिस्कशन। जो इंटरडिपेंडेंसी है मीडियम की, जैसे कोई भी दो तरह के मीडियम हो सकते हैं, जो मार्शल मैकलुहान साहब ने बताया था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हॉट और कूल मीडियम बताया था, लाइक जैसे टीवी को उन्होंने कूल मीडियम बताया था जिसमें हाई पार्टिसिपेशन है, और रेडियो को एक हॉट मीडियम बताया था जिसमें लो पार्टिसिपेशन है। ही डज नॉट एक्सप्लेन हाई एंड लो पार्टिसिपेशन टीवी एंड रेडियो रेस्पेक्टिवली, बट उन्होंने इसका कारण नहीं बताया कि क्यों टीवी की पार्टिसिपेशन हाई है और रेडियो की कम है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के बारे में थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के हिसाब से, तो आप इसको अच्छे से बना लीजिए। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स। थैंक यू।